लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। Please sit. Gentlemen, aap sab defense services, police aur intelligence department ke zimmedar officers hain. Aur is meeting mein jo problem discuss karne wale hain wo kitna gambhir, kitna khatarnak hai. Iske bare mein jo kuch bhi kahun, kam hi hoga. CBI ke is report ke mutabik, is desh mein tod-phod aur violence phailane wali wo shaktiyan jo jagah-jagah sar utha rahi hain, wo business group जिनका काम मिलावट और काला बाजार है, वो स्मगलर्स जो आज ड्रग्स और दूसरी चीजों के साथ हथियार भी स्मगल कर रहे हैं, ये सब अलग अलग नहीं है। इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के पीछे है इस देश से बाहर की कोई ताकत। मोगेम्बो, सरकारी अनाज के गोदामों को जला देने के बाद मुल्क में जहां जहां अनाज की कमी पैदा हुई थी वहां वहां काले बाजार की कीमतों पर मिलावट का अनाज फैला दिया गया है। मिस्टर मोगेम्बो,
इस मुल्क में हमारे 1 लाख से भी ज्यादा शराब खाने और जुए खाने खुल चुके हैं। मिस्टर मोगेम्बो, मिलावट वाले अनाज से भी करोड़ों का मुनाफा हो रहा है। मोगेम्बो, खुश हुआ। डागा, तेजा, ये करोड़ों रुपया दूसरी तबाहियों और बर्बादियों के काम में लगाते रहो। हिंदुस्तान में ये तबाहियां, ये बर्बादियां, ये लूटमार, ये दंगे, ये फसाद, ये हंगामे, ये सब कुछ अगर इसी तरह चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब मोगेम्बो का ख्वाब सच्चा हो जाएगा। कैप्टन जोरो, बंबई के समुद्र तट पर हमें ऐसी जगह चाहिए जहां से जब चाहें, जितने चाहें हथियार हम हिंदुस्तान भेज सकें। इंतजाम हो जाएगा? जी बिल्कुल। मोगेम्बो, खुश हुआ? ना समझ और जाहिल हिंदुस्तानियों ने अपनी हिस्ट्री, अपने इतिहास से आज तक कुछ नहीं सीखा। जब जब वो आपस में लड़े हैं, बाहर से किसी ने आकर उन्हें अपना गुलाम बना लिया है, मगर वो आज भी आपस में लड़ रहे हैं। लड़ने दो, मजहब के नाम पर, जुबान के नाम पर, जात के नाम पर। उन्हें आपस में लड़ने के लिए जितने हथियार चाहिए मोगेम्बो देगा। और जब ये हिंदुस्तानी खुद अपने ही हाथों से अपने मुल्क की बुनियादें खोखली कर लेंगे, तब मैं अपना अगला कदम आगे उठाऊंगा और उस दिन सारा हिंदुस्तान मेरे कदमों में होगा और हर हिंदुस्तानी मेरा गुलाम। तब दुनिया पुकारेगी, हेल मोगेम्बो द किंग ऑफ इंडिया, हेल मोगेम्बो किंग ऑफ इंडिया, हेल मोगेम्बो, हेल मोगेम्बो, हेल मोगेम्बो। खुश हुआ? खुश हुआ? बस जिस दिन वो फॉर्मूला मिल गया। कौन सा फॉर्मूला? जिसके इस्तेमाल करने से आदमी दिखाई ना दे, इनविजिबल हो जाए। सोचो, ये सिपाही जो मेरे हुक्म से कुछ भी कर सकते हैं, अगर दिखाई ना दे तो कौन इनका मुकाबला कर सकता है? आदमी दिखाई ना दे, ऐसा फॉर्मूला? डॉक्टर फुमांचो, आज से 20 बरस पहले एक हिंदुस्तानी साइंटिस्ट ने ऐसा फार्मूला बनाया था। वो मर गया, मगर उसने किसी को वो फार्मूला नहीं दिया। आदमी दिखाई ना दे, ऐसा फार्मूला? ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? साइंस इतनी आगे बढ़ते चली जा रही है कि ये कहना गलत होगा कि आज जो नहीं है कभी नहीं हो सकता। मैं ज्यादा पीछे नहीं जा रहा हूँ, 100-150 साल पीछे ही जा रहा हूँ। उस जमाने में अगर कोई कहता कि लोहे के जहाज बनेंगे जो हवा में उड़ेंगे और चंद घंटों में हजारों मील पहुंचा देंगे तो लोग उसे पागल कहते हैं। लेकिन हवाई जहाज बने और आज इन्हें उड़ते देख किसी को हैरत नहीं होती। अगर अकबर बादशाह से कहते टेलीफोन के बारे में, रेडियो के बारे में, मोटर कार के बारे में, तो इस बात को नहीं मानते। बात यह है कि जो चीज हमने देखी नहीं उसे हम मानने को तैयार नहीं होते। अगर उस जमाने में यह कहते कि ऐसे फोटोग्राफ लिए जा सकते हैं जिससे शरीर के अंदर की चीजें दिखाई दें, तो उस वक्त लोग ऐसा ही हंस देते जैसे आप लोग हंस रहे हैं। लेकिन
एक्सरे आज एक मामूली चीज बनकर रह गई है। सर यस रमन। सर जिस तरह एक्सरे की मदद से इंसान के अंदर देखा जा सकता है, क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? ये क्या बेतुका सवाल है, ऐसी कोई चीज बन नहीं सकती। लेकिन सर आपने कहा था कि साइंस। ब्रेक, सेट डाउन, ये मजाक का वक्त नहीं है, सेट डाउन। हम चाहते हैं डॉक्टर जगदीश वर्मा, वो फॉर्मूला हमें दे दो। इसी कीमत पर नहीं, बेवकूफ मत बनो। अगर तुम अपनी जिद पर अड़े रहे तो तुम्हारा असिस्टेंट प्रोफेसर सिन्हा वो फॉर्मूला हमें किसी ना किसी कीमत पर दे ही देगा। इसलिए कहता हूं बेवकूफ मत बनो, वो फॉर्मूला हमें दे दो, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। तुम मुझे किसी कीमत पर खरीद नहीं सकते, अभी पुलिस को फोन करता हूं। नहीं नहीं, मिस्टर सिन्हा पकड़ लो उसको। सर। और रमन क्या बात है? सर आज क्लास में मैंने आपको कुछ अपसेट कर दिया, इसलिए मैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल गलती मुझसे हुई है। तुम्हारा सवाल अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक था, लेकिन जवाब देने का अधिकार शायद इन्हें है। सर ये किसकी तस्वीर है? ये एक बहुत बड़े साइंटिस्ट है, और अमन तुम्हें याद होगा इनके बेटे से मैंने तुम्हें मिलवाया था अरुण से, ये अरुण के पिता हैं, याद है? सर वही जिनके बारे में आपने कहा था कि बहुत सारे बच्चे। हाँ हाँ वही वही, उसका अपना बचपन तो बिना माँ बाप के गुजरा है, शायद ये दर्द ही उसके दिल में है। जहाँ कोई अनाथ यतीम बच्चा देखता है अपने घर ले आता, अपने साथ रखता है। उसका घर क्या है, छोटा मोटा हॉस्टल है। कैलेंडर, अरे कैलेंडर, अरे मेरा अंडा, कैलेंडर, अरे कैलेंडर। क्या बात है अरुण भैया, ये सुबह सुबह मैडमैन की तरह हमें बांग दे रहे हैं क्या? एक तो मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि तुम्हारा नाम तुम्हारे माँ बाप ने कैलेंडर क्यों रखा। जी वो इंग्लिश में कुछ नाम रखना चाहते थे। अगर तुम्हारा नाम कैलेंडर के बजाय क्वीन एलिजाबेथ भी होता तब भी तुम यहाँ बावर्ची होते, इंग्लिश में कुक। कहाँ मर गए थे? जी अपने रूम में मर गया था। कहीं भी मरो, लेकिन ये बताओ कि तुम्हारे होते हुए हर सुबह बच्चों का आधे से ज्यादा नाश्ता मुझे बनाना पड़ता, ऐसा क्यों कैलेंडर? बोलो बताओ, जवाब दो। आपकी लक ही ऐसी अरुण भैया, इसमें किसी और की क्या मिस्टेक है? मिस्टेक तो यही है कि तुम्हें सोने और मरने का डिफरेंस ही नहीं मालूम। अरे भाई सोने वाले उठते भी हैं, तुम तो उठने का नाम नहीं लेते। देखो कैलेंडर, अगर कल सुबह तुम लेट उठे तो तुम्हारी सैलरी में से कुछ ना कुछ जरूर कट जाएगा। श्योर, जरूर काट लीजिएगा, कम से कम सैलरी तो मिल जाएगी इसी बहाने। बाय गॉड, 5 बरस हो गए, 5 बरस इस घर में सैलरी नहीं देखी। किस कलर की होती है? बैंगनी कलर की होती है। रियली? अरे भैया मॉर्निंग न्यूज सुनते जाइए, घर में राशन कुछ फिनिश सा हो रहा है। हाँ हाँ आज ही रूपचंद की दुकान पर चलते हैं, ले आएंगे। दूसरी न्यूज, वो माणिकलाल मकान का किराया मांगने आया था। दे देंगे, कौन सा उसका मकान लेकर भाग रहे हैं बच्चे? नहा लिए? जी हाँ कल ही नहाए थे, अभी तो अपने अपने बिस्तर में स्लीपिंग, स्वीट ड्रीम्स। गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। बच्चों लोग उठो, जल्दी करो, जल्दी नीचे उतरो, नाश्ता टेबल पे तैयार है, एक एक करके बाथरूम जाओ, चलो फटाफट तैयार हो जाओ, ब्रश करो, चलो चलो जुगल जल्दी। अरुण भैया अगर रोज सवेरे ये बिन बादल बरसात ना हो तो कितना अच्छा है। प्यारे जुगल अगर तुम लोग बिन बादल बरसात के बिना
स्कूल के लिए उठ जाया करो तो क्या बुरा है? अरुण भैया, स्कूल इतनी सुबह सुबह क्यों होता है? इसलिए कि सब कुछ सुबह ही शुरू होता है। रात भर जिंदगी सोती है, सुबह जाग जाती है। अगर जिंदगी के साथ साथ चलना है तो सुबह उठना ही पड़ेगा। अरुण भैया, ये हमेशा संडे के बाद मंडे ही क्यों आता है? जिस तरह हर खुशी के बाद एक गम, हर गम के बाद एक खुशी, हर दिन के बाद रात और रात के बाद दिन, उसी तरह हर संडे के बाद होता है मंडे और सैटरडे के बाद होता है संडे। Thank you.
बोरियां नहीं उतार सके तुम लोग, अबे कछुए की तरह। नमस्कार रूपचंद जी, नमस्कार। लो गई भैंस पानी में, आ गए फिर आ गए। अरे तुम लोग तो उधार खा खा कर मेरी दुकान साफ कर दोगे, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा इस तरह। अजी बर्बाद हो तुम्हारे दुश्मन, मेरी तो दिन रात यही दुआ रहती कि तुम फलों और फूलों मेरे अन्नदाता। लो गई भैंस पानी में। हाय रूप। ओ हाय, मैंने सोचा रूपचंद जी कि तुम्हारी पूरी पेमेंट एक साथ ही कर दूं, क्यों क्या ख्याल है? पूरी पेमेंट तुम हंसे देखा अरुण भैया हंसे, पैसा आता वो देखा तो हंसे। अरे तुम खड़े क्यों? गेहूं चावल जो कुछ लेना ले लो, अपने रूपचंद जी की दुकान है। अरे मुनीम लिख लेना। अरे हर महीने सोचता हूँ कि उधार देना बंद कर दूं तुम लोगों को, मगर क्या करूं, मेरा दिल ही ऐसा है। अरे आपके दिल का तो जवाब ही नहीं, वरना आजकल के जमाने में कंकर पत्थर के भाव कौन गेहूं चावल देगा? एक किलो अनाज में आधा कंकर पत्थर होता है, मगर गेहूं चावल कंकर पत्थर सबके दाम आपकी दुकान में एक ही है। वाह क्या बात है। लो गई भैंस पानी में, मेरे गेहूं चावल में इतने कंकर पत्थर मिलते हैं, जाओ किसी दूसरी दुकान में चले जाओ। कैसे चले जाए रूपचंद जी, आदत भी कोई चीज है, जब तक खाते खाते दो चार बार कंकर कट से ना बोले मजा ही नहीं आता खाने में। चलिए अरुण भैया घर जाना है, घर जाके खाना पकाना है, और खाना पकाने से पहले कंकर में से चावल चुनने हैं। अच्छा रूपचंद जी, दो चार दिन में आपकी पूरी पेमेंट, चलूं मुझे भी जरा म्यूजिक ट्यूशन पर जाना है। बाय रूप, थैंक्स। गई भैंस पानी में। यही है वो मकान सर? ऐसे यही लगता है। तेजा साहब ये वो मकान है जो हमें किसी भी तरह हासिल करना है। क्यों ये मकान क्यों? तेजा साहब मिस्टर मोगैम्बो ने कहा था कि कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां वो जब चाहे जितने चाहे हथियार हिंदुस्तान में भेज सके। चलो फिकर मत कीजिए डागा साहब, ये मकान तो मैं चुटके में खाली करवा लूंगा। तो कैसे? देखते जाइए, हमारा भी एक प्यादा है इस इलाके में। तेजा साहब बस समझ लीजिए कि काम हो गया, हम ना कर रहे तो गई भैंस पानी में। तोलाराम वो मसूर की दाल में मिलाने के लिए काले कंकर मंगवा लिए? हाँ सेठ जी, मसूर के लिए काले कंकर, चावल के लिए सफेद कंकर, और गेहूं के लिए भूरे कंकर 100-100 गोनियां मंगवा ली। अजी धंधा तो मालिक का दिन दुना रात चौगुना उन्नति कर रहा है भगवान की दया से। क्यों तुम उन्नति नहीं कर रहे हो? जी मालिक को बस चार पैसे मिल जाते हैं आपकी दया से। अच्छा तो मालिक मैं चलूं। हाँ जाओ जी, लेकिन मकान खाली हो जाना चाहिए, समझे? वो मकान मालिक है ना मानिकलाल, वो अपना ही आदमी है, बस उसकी भी मुट्ठी गरम कर देंगे। आपको तो मकान चाहिए ना, मिल जाएगा। घर खाली कर दे मानिकलाल जी, ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रहे हो। ये तो सोचिए मानिकलाल जी, इतने बरसों से रह रहे हैं यहाँ। ये क्यों सोचूं कि तुम इतने बरसों से रह रहे हो, ये क्यों सोचूं कि तुमने इतने महीने किराया मुझे नहीं दिया? किराया तो मैं दे दूंगा, मगर दे दूंगा नहीं, देना पड़ेगा। ये नोटिस देखिए, आज तक जितना किराया चढ़ा है वो चुकता करो, वरना मकान से बाहर। लो गई भैंस पानी में, इतना पैसा तुम दे नहीं सकते, मकान से ही बाहर जाओगे। चलिए मानिकलाल जी। ये लो समझे। अगर सचमुच हमने पैसा अदा नहीं किया तो ये मकान हाथ से निकल जाएगा, और साथ में ये बच्चे कहां ले जाऊंगा इन सबको। अरुण भैया मेरे हेड में एक आइडिया आया है, अगर हम अपना ऊपर वाला कमरा किराए पे दे दे, यानी कि पेइंग गेस्ट। आइडिया में दम है, बहुत दम है। आज ही किसी अखबार के ऑफिस में जाकर इश्तिहार देता हूँ। आपके पास सेंस तक नहीं, आपको बर्दाश्त कब तक करूंगा? हेलो क्या आप ये न्यूज़ छापने की जरूरत नहीं, ले जाइए आप। जी मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूँ। ना लुक ना, मैं इतनी शो के आपके टिकट बुक नहीं कर सकता हूँ। मैं बता, ये रूबी टॉकीज नहीं है भाई, ये अखबार क्राइम्स ऑफ इंडिया का ऑफिस है, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अरे रॉन्ग नंबर यार। अब जाओ और ये रीडर को देके आओ भाई।
हाँ जी, है जी, आपकी भैंस ने दूध देना बंद कर दिया, अरे तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? अरे मैं भाई, व्हाट कैन आई डू? ये जानवरों का अस्पताल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम यार, अब प्लीज फॉर गॉड सेक, प्लीज फॉर गॉड सेक। अरे राम जी साहब, वो आई क्या? कौन साहब? वो प, प, क्या नाम से वो है ना लड़की? कौन सी लड़की साहब? अरे यार वो लड़की क्या नाम है उसका? ये टाइप करके एडिटर साहब के टेबल पर पहुंचा दो आज। सॉरी। ये सॉरी भी कोई चीज होती है? जो चाहो कर दो, जो चाहो कह दो, बाद में सॉरी बात करो। मिस्टर गुप्ता, ये न्यूज आइटम अभी तक मेरे टेबल पर क्यों पड़ा है? दस में क्यों नहीं दिया? आई एम सॉरी। फिर वही सॉरी, आप लोग देखिएगा वो दिन दूर नहीं जब लोग डाका मार के सॉरी कहेंगे और सॉरी 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 एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सर। आओ सीमा आओ। जो आर्टिकल आपने दिया था वो मैं लेकर आई हूँ। लेकर आई है, गुड। अरे भाई उस कुर्सी पर क्यों रख दिया? आप खुद टेबल पर बैठे हैं तो मैंने सोचा शायद पेपर्स कुर्सी पर रखकर पढ़ेंगे। आई एम सॉरी। हाँ तो आपके पजामे ठीक तरह से साफ नहीं हुए तो यार मैं क्या कर सकता हूँ? नहीं है कोई भारत लॉन्ड्री, रॉन्ग नंबर है भाई। अब ये मेरा मतलब अब ये आर्टिकल इस संडे को तो छप नहीं सकता है, तुमने ऑलरेडी बहुत देर कर दी है। देर तो होगी, देर क्यों नहीं होगी? जिस मकान में रहती हूँ मालिक मकान के बच्चे हैं और बच्चों का शोर जहाँ हो वहाँ मैं काम नहीं कर सकती। देख रही हूँ कोई नया घर मिल जाए। आप प्लीज बैठिए। सर ये बच्चे होते ही क्यों है? अगर लोग बड़े ही पैदा हुआ करते तो कितना अच्छा होता। I agree with you. अच्छा ये बताइए अब आपके पास मेरे लिए कोई काम है या नहीं? हाँ हाँ तुम्हारे लिए काम है, बहुत इंटरेस्टिंग काम है। आज शहर की जेल से एक चोर अपनी सजा पूरी करके निकला है, उम्र है उसकी 25 बरस लेकिन जेल 50 बार जा चुका है। क्या क्या नाम है उसका? मंगलू नाम है उसका, मैंने खन्ना को भेजा है ऑफिस में लेकर उसे आ रहा है, तुम उसका इंटरव्यू ले लो, लोग बहुत मजे लेकर पढ़ेंगे। हेलो भाई साहब। यस मैडम। मैडम मेरा एक मकान है और मकान में एक कमरा है, उसके लिए मैं इश्तिहार देना चाहता हूं। आप जरा उस कमरे में जाइए, इसके चार कॉपीज बनाकर मेरे टेबल पर रख दीजिए। तो तुम हो? जी मैं। प्लीज सिट डाउन प्लीज। जो कुछ कहना चाहते हो कह दो, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसमें घबराने की क्या बात है, काफी खुशी की बात है। गुड। अच्छा सॉरी। अच्छा ये बताओ कि तुम जैसे हो ऐसे कब से हो? जी मैं बचपन से ही ऐसा हूं। बचपन से ऐसी? और तुम जो ये कर रहे हो क्यों, किस लिए? पैसा, सीधी सी बात है। वैसे मुझे खुशी नहीं है लेकिन आदमी को कभी कभी अपने मर्जी के खिलाफ पैसे के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है, मजबूरी यू नो। तुम्हारा ख्याल है वो सब लोग जिनके कोई मजबूरी होती है चोर बन जाते हैं? नहीं नहीं नहीं, इनमें ईमानदार भी होते हैं, ईमानदार काफी लोग ईमानदार होते हैं, दोनों टाइप के होते हैं, इसी का नाम तो दुनिया है। जी हाँ। अच्छा ठीक है फिर। हाँ तुम्हारी कितनी उम्र थी जब तुम पहली बार जेल गए थे? मेरी उम्र होगी, क्या कह रही हैं आप? मैं और जेल? क्यों, क्या तुम 50 बार जेल नहीं गए हो? 50 बार किसने कहा आपसे? फिर तुम कितनी बार गए हो? अरे मैं गया होगा, मैं एक बार भी जेल नहीं गया। और आप मुझे जेल भेजना क्यों चाहती हैं? ये अखबार का दफ्तर है या पुलिस स्टेशन? डोंट शाउट। अरे शाउट मतलब क्या? देखो मंगलू। मंगलू? कैसा मंगलू, कौन मंगलू, किसका मंगलू? मैडम मेरा नाम अरुण वर्मा है। अरुण, अगर तुम मंगलू नहीं हो तो इस कमरे में क्यों हो? आप भी तो इस कमरे में हैं और जहाँ तक मेरा ख्याल है आप भी मंगलू नहीं है। मैं यहाँ की क्राइम रिपोर्टर हूँ, लेकिन तुम कौन हो, क्यों आए हो और चाहते क्या हो? मैं एक कमरा किराए पर देने का इश्तिहार देने आया था और अब मैं सिर्फ जाना चाहता हूँ। जय हिंद। अरे सवाल यार क्या करते हैं? अरे भाई साहब ये जो लड़की रेड एंड वाइट कपड़े पहने यहाँ काम करती है? इधर आना। अरे फिर आ गई। तुम्हारी शादी हुई है? अरे भाई मैं शादी का इश्तिहार देने नहीं आया था यहाँ। नहीं आया था, मुझे मालूम है, सॉरी। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ तुम्हारे बच्चे बच्चे तो नहीं है ना? अरे शादी होगी तो बच्चे होंगे ना? बच्चे होंगे, कौन बोला नहीं होंगे? इसे समझाइए। जस्ट लिसन टू मी, वो कमरा जो किराए पर देना चाहते हो मुझको दे देना, मैं लेती हूँ। तो ये कहिए ना आप, मैडम क्या कमरा है? हाँ हाँ। ओ, कमरा, कमरे के आगे बैल्कनी, बैल्कनी के आगे गार्डन
और गालिंगा के समंदर और 24 घंटे ठंडी हवा 24 आवर्स, वो भी बिल्कुल फ्री मैडम, बिल्कुल फ्री। मैंने कमरा ले लिया। देखिए बिना, जैसे तुमने बताया कि तुम्हारे बच्चे नहीं है, मैंने तय कर लिया। ये लो 500 रुपए। जी वो बच्चे नहीं है ना, इसलिए कमरा ले रही हूँ। ठीक है, कमरा आपका, आगे भगवान मालिक। आ गई मंजिल। ये देखिए मैडम, इसी के बारे में कहा गया, एक बंगला बने न्यारा। कैलेंडर, कैलेंडर, कैलेंडर द कुक, बावर्ची है, बावर्ची। देखा मैम साहब, कितना सुंदर, कितनी खामोशी, कितनी शांति है यहाँ। अरे कैलेंडर, अंदर इंतजाम ठीक है ना? जी हाँ, सारे बच्चे। बच्चे? बच्चे नहीं, बच्चे नहीं। जी नहीं, हम तो ये कह रहे थे कि वो छोटे बड़े सूटकेस, हमने अब वो हल्के हल्के सूटकेस है ना, हमने सब ठीक ठाक लगा दिए। एंटर मैडम, एंटर। थैंक गॉड, मैदान एकदम साफ है अरुण भैया। क्या आपके कमरे की सफाई की बात कर रहा है? कितना सुंदर, कितना प्यारा, कितना शांत है। और कितनी खामोशी छाई है, देख रही हैं आप? जी जी हाँ, जहां मैं रहूं वहां खामोशी हो, ये मेरे काम के लिए बहुत जरूरी है। फिर तो आप बिल्कुल ठीक जगह आ गई हैं, यहाँ तो आप इंसान की आवाज को तरस जाएंगी। आज ऊपर चलें, आपको अपना कमरा दिखा दूं। क्या हुआ? ऊपर चलें? हाँ। ये देख रही हैं आप, ये सीढ़ियां ऊपर जाती हैं और ऊपर से यही सीढ़ियां नीचे भी आती हैं। कमाल है, बहुत अच्छा है। हर चीज का पूरा इंतजाम है इस घर में। चलिए चलिए मैम साहब। कैलेंडर। जी अरुण भैया। सब सामान अपनी अपनी जगह रख दिया ना? जी बिल्कुल। लेकिन अरुण भैया, वो छोटे छोटे सामान का क्या होगा जो नीचे रख छोड़ा है? वो देखते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा ना। जी संभाल लेना, अब आपके हाथ में है। मैम साहब कैसा लगा कमरा? मैम साहब अच्छा है, अच्छा है। यहाँ तो मैं भूत की कहानी लिख सकती हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? को 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 क्या हुआ? कॉकरोच, 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 कहाँ है कॉकरोच? हाँ कहाँ है? हमारी तरफ देख रहा है। तुम कॉकरोच से डरते हो? मैं सब डरता तो मैं शेर से भी नहीं हूँ, हाँ मगर कॉकरोच से डरता। मैं नहीं डरती, कॉकरोच से क्या डरना? अरे मगर किसी को बुलाओ जो इसे मारे। पुकार तो तू, मगर वो जो आएंगे वो बच्चे हैं। वो जो भी है बुलाओ, इस कमर से छुटकारा तो मिले। अरे कॉकरोच तो मर जाएगा, कॉकरोच तो मर जाएगा, मगर आप और बच्चे रह जाएंगे। अब जो भी है बच्चो, जल्दी जल्दी किसी को बुलाओ। वो कॉकरोच मार रहे हैं। ओ गॉड, यू फ्रॉड, तुमने कहा था तुम्हारे बच्चे नहीं है। जी मैंने ठीक कहा था, ये बच्चे मेरे नहीं है। यू बदमाश, मैं तुम्हारी पुलिस में रिपोर्ट करूंगी, मैं तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा करूंगी। जरूर कीजिएगा, जरूर कीजिएगा। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, देखिए देखिए। अरे ये कॉकरोच को छोड़ेंगे नहीं। अरे देखो पकड़ लिया, पकड़ लिया उन्होंने। देखो तुमने उस वक्त 500 रुपए लिए थे और बाद में ये बहुत चालक लिया है। मुझे अपना सारा पैसा वापस चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए। देखिए वो पैसे तो हम खा गए। कॉकरोच,
बच्चे बच्चों, मैडम मैडम अब तो यही है कि जब तक आपका पैसा हम पर निकलता है आप यही रहिए और जीते तो बाद में भी। वैसे कमरा पूरा नहीं है, कमरा कमरे के आगे बैल्कनी, बैल्कनी के आगे गार्डन और गार्डन के आगे समंदर। मैडम सेना साहब, आप हमेशा कहते थे कि पिताजी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई है जिसकी दुनिया में कोई मिसाल ही नहीं है। क्या थी वो चीज? क्या थी वो चीज? मैं लोगों को बताता नहीं क्योंकि मैं जानता हूं कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन तुम उनके बेटे हो, मैं तुम्हें बता देता हूं। उन्होंने एक गैजेट बनाई थी जिसे हाथ पर बांध लो और बटन ऑन कर दो तो आदमी दिखाई नहीं देगा। इंसान दिखाई नहीं देगा? ये कैसे हो सकता है? अंधेरे में आदमी क्यों नहीं दिखाई देता? रोशनी नहीं होगी तो कैसे? और रोशनी में क्यों दिखाई देता है? मैं बताता हूं, रोशनी किसी जिस्म से टकरा कर जब वापस आंख पर आती है तो हमें वो आदमी दिखाई देता है। लेकिन कोई ऐसी चीज हो जो हमारे जिस्म में ऐसा असर पैदा करे कि रोशनी टकरा कर वापस आने के बजाय पार निकल जाए तो आदमी दिखाई नहीं देगा। नहीं समझे? जैसे कांच, रोशनी कांच पर गिरकर पार निकल जाती इसलिए कांच दिखाई नहीं देता। देखता हूं मेरी बात का तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा है। नहीं नहीं सिन्हा साहब, आप कहते हैं तो, लेकिन रोशनी को जिस्म के आर पार भेजने वाला वो गैजेट कहाँ है? तुम्हारे पिताजी जानते थे कि शायद इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, इसलिए उन्होंने वो फॉर्मूला जला दिया। मगर वो चीज, वो गैजेट कहाँ है? आपके पास है? खैर छोड़ो इन बातों को, तुम एक पेइंग गेस्ट लाने वाले थे, कोई मिला? मिला नहीं, मिली है? और क्या मिली है, वाह वाह। हवालात क्या होती है? आइए, सही वक्त पर आए हैं आप, देखिए क्या हो रहा है। अरुण भैया, हम लोग हथकड़ी पहनेंगे। क्या हुआ मेम साहब? पूछ रहे हैं क्या हुआ? जब आपने कहा था कि कमरा, कमरे के आगे बालकनी और बालकनी के आगे गार्डन, तो ये नहीं बताया कि गार्डन में बच्चे और बच्चों के पास फुटबॉल। आई एम सॉरी मेम साहब, अब कोई शोर नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैंने तुम लोगों को मना किया था ना कि यहाँ शोर मत करना। अरे भैया, हम तो पूरा कैसे मैं ये नहीं कहता हूँ, यहाँ मत खेलो, बीच पर जाकर खेलो, बल्कि मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ खेलने के लिए। मैम साहब, आई एम सॉरी मैम साहब, ये मेरी गलती है। मैम साहब मेरी बात तो सुनिए। मैम साहब, मैम साहब, इनमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, असल में मैं मुझसे। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ ये सब मेरे खिलाफ एक साजिश है, स्कीम है, प्लान है, मगर दुनिया के सारे बच्चे एक तरफ हो जाएं, फिर भी ये प्लान कामयाब नहीं हो सकता। मिस्टर अरुण वर्मा, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी, अब ये फुटबॉल अदालत जाएगी। लेकिन अदालत क्यों जाएगी? अदालत में कोई फुटबॉल खेलता नहीं। I will see you in the court. मेम साहब, मेरी बात तो सुनिए। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें इतनी हिम्मत, मैं उन बच्चों को तो कोर्ट में लेकर ही जाऊंगी।
शोर शोर। सॉरी दीदी अब हम नहीं करेंगे शोर, लेकिन बच्चे ना खेले तो हो जाएंगे बोर। चला किचन के अंदर बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के, बाल मांगो भैया हाथ जरा जोर के। खिलौना मेरे बच्चों का भला क्यों छीन लेती हूँ, मेरे बच्चों का भला क्यों छीन लेती हूँ। दुआएं देंगे ये तुमको अगर तुम बोल देती हो। समझ के ऐसे कच्चों से रोज ये शोर करे, कभी आउटडोर करे कभी इंडोर करे, और अब रोके मुझे बोर करे। अल्लाह झूठे हैं तेरे बच्चे बच्चे तेरे बच्चे बच्चे तेरे बच्चे, क्यों कोसती हो इनको भला है दिल के बड़े सच्चे बच्चे मेरे बच्चे बच्चे मेरे बच्चे बच्चे तेरे बच्चे बच्चे मेरे बच्चे बच्चे तेरे बच्चे हाँ बच्चे मेरे बच्चे तेरे बच्चे मेरे बच्चे तेरे बच्चे मेरे बच्चे तेरे मेरे तेरे मेरे तेरे मेरे बोलो।
मानिकलाल जी आइए। मैं तो आ गया, लेकिन तुम इतना याद रखो कि आज नोटिस के दिन पूरे हो गए। या तो आज तक का किराया दो या ये मकान फौरन खाली करके दफा हो जाओ। या तो पूरा किराया दूं या मकान खाली कर दूं। हाँ चलिए, अगर दोनों में से एक ही काम करना है तो पूरा किराया दिया देता हूँ। क्या? ठीक है जी, पूरा किराया। और कुछ चाय ठंडा? जय हिंद। तो मतलब ये कि तुम वो मकान नहीं खाली करवा सके? तो ऐसा ना हो रूपचंद कि मैं तुम्हारी दुकान खाली करवा दूं। गई भैंस पानी में। तेजा डार्लिंग, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तेजा साहब आप बेकार परेशान हैं। उस इलाके में कार का हमारा जुआ खारा चलाता है, दो चार आदमी लेकर जाएगा और वो क्या नाम है उसका, उसको उसके बच्चों को ठोक पीट कर मकान से बाहर। व्हाट इज द प्रॉब्लम? हुजूर दो चार दिन और देख लीजिए। क्यों, क्या कर लोगे दो चार दिनों में? जरूर ऐसा टेंटवा दबाऊंगा, ऐसा टेंटवा दबाऊंगा कि बस। अरे जब भूखे मरेंगे तो देखता हूँ कैसे नहीं खाली करते हैं वो मकान। बच्चों शांत हो जाओ, चुप हो जाओ। ये क्यों आसमान सर पे उठा रखा है तुम लोगों ने? कैलेंडर, जब तक हमें खाना नहीं मिलेगा हम लोग ऐसे ही नारे लगाते रहेंगे, क्यों भाइयों? सुधर जा। बाय गॉड सच कहता हूँ, अगर पब्लिक को भड़का के ऐसे ही नारे लगवाता रहा ना तो एक दिन लीडर बनेगा, लीडर। थैंक यू कैलेंडर। हम लोग को भूख लगी है। भूख लगी है तो 10 हाथ नहीं है मेरे, खाना बनाने में टाइम लगता है। तुम्मी तू जरा किचन में आ हेल्प के लिए, जल्दी आ। ये देख ना चावल है ना आटा है ना दाल है, अब हम कैसे समझाएं तुम लोगों को कि क्या? कुछ भी नहीं है, देख तो रही हो खाली डब्बे। माय गॉड हमसे बच्चों की हालत देखी नहीं जाती, अब तो जब अरुण भैया आएंगे तभी कुछ होगा। कैलेंडर क्या एक दिन हम भूखे नहीं रह सकते? घर में नहीं है तो रूपचंद की दुकान से क्यों नहीं लेके आते? अरे हम सुबह गए थे वहाँ, लेकिन वो अरुण भैया सही मानेगा। एक दिन नहीं खाओगे तो मर नहीं जाओगे। अगर मैं मरी तो? टीना शाम को अरुण भैया आएंगे तो हम बहुत मजे का खाना खाएंगे। अच्छा अच्छा अरुण भैया मैं मर नहीं जाऊंगी, एक दिन नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। तुमने खाना नहीं खाया? कैलेंडर ने नहीं दिया। कैलेंडर कमाल करते हो, बच्चों ने सुबह से खाना नहीं खाया और तुमने अभी तक खाना नहीं दिया उनको। हम क्या कर सकते अरुण भैया, सोचा था रूपचंद से ले आएंगे लेकिन उसने कहा उसे पैसे चाहिए होंगे ना। कोई बात नहीं बच्चों, पैसे हैं मेरे पास, आज ट्यूशन फीस लेकर आ रहा हूं, बस 15 मिनट, मैं अभी बहुत सा खाने का सामान लेकर आता हूं। ओके लो, गई भैंस पानी में। अरे तो मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया, धंधा चला रहा हूं, कोई दान धर्म के लिए तो नहीं बैठा हूं क्यों? कुछ लेना है पैसा निकालो और माल उठाओ। पैसे तो मैं लेकर आया हूँ, ये लो। लोग गई भैंस पानी में। और तुम्हारा पैसा तो देर सवेर मैंने हमेशा दे ही दिया है, अगर मैं नहीं था तो दिन भर बच्चे भूखे बैठे रहे। गिल्लो से जी पूरे हैं अपना आज तक का हिसाब किताब साफ। बहुत बहुत धन्यवाद, अब अपना रास्ता ना बचा।
मगर राशन तो दो। उसका पैसा लाए हो? रूपचंद, मैंने तुम्हारा सारा उधार उतार दिया और तुम? उतार दिया इसलिए कि फिर चढ़ा लो। मुझे रोकड़ा चाहिए रोकड़ा, वरना एक दाना नहीं दूंगा। रूपचंद, ऐसा मत करो, घर में बच्चे भूखे हैं। तो मैं क्या करूं? कल के मरते आज बने सुअर के बच्चे। रूपचंद, बचाओ बचाओ, मर गया रघु, बच्ची बचाओ, छोड़ो छोड़ो। अरे मेरे बच्चों के बारे में कुछ कहा तुम्हें? निकल बाहर करो साले को। आपकी जागीर समझ कर मेरी दुकान में चले आते, देखा मानिकलाल जी, देखा मेरा नमक खा के। यार आज तक कभी मना किया है मैंने, मगर फैक्ट है आज मेरे पास पैसे हैं नहीं। आप जैसे लोगों को काम देने में यही तो मुश्किल है। ये अपना वालर लेते जाइए, हमें आपकी ट्यूशन। गाड़ी गैराज पे छोड़ जाओ, बिक जाएगी तो पैसे दे। इस खटारे का एडवांस तो नहीं दे सकता। बस बेटे थोड़ी देर और आते ही होंगे अरुण भैया। अच्छा परी शहजादे को लेकर। मुझे नहीं सुनी कहानी, मुझे भूख लगी है। जी ना, फिर वही बात, अरुण भैया आते। अरुण भैया भूख लगी है। जी ना, फिर पता है क्या हुआ, वो परी शहजादे को लेकर उड़ने लगी, तारों के पास चली गई और फिर फैन के पीछे आके छुप गई। और पता है क्या हुआ, उधर बारिश आने लगी, बहुत जोर की बारिश आने लगी और फिर उदम जोर से आवाज आई कि परी डर गई, इतनी डर गई कि सिर्फ नींद आई अरुण भैया, सच्ची अरुण भैया हमें भूख नहीं लगी है। अरुण भैया मुझे भूख नहीं लगी है, आई प्रॉमिस यू अरुण भैया हमें भूख नहीं लगी है। आज मैं फेल हो गया कुमी, मैंने अपना सारा बचपन अपने माँ बाप के बिना गुजारा, बेसहारा अकेले। मैं तुम लोगों को एक एक करके
इस घर में इसलिए ले आया था ताकि जो दुख मैंने झेले हैं वो तुम्हारे हिस्से में ना हो। मैं तुम लोगों को वो खुशियां दे सकूं जो मुझे ना मिली, मगर कुछ ना कर सका, मैं हार गया। मैं हार गया कुमी, मैं हार गया। कैलेंडर, कैलेंडर। जी मैम साहब। आज सबको सांप क्यों सूंघ गया? क्या हुआ? आज बच्चे बड़े चुप हैं? दो दिन के भूखे बच्चे क्या शोर मचाएंगे मैम साहब? होती है, संडे को मेरे भी छुट्टी होती है, क्यों ना हमारा झगड़ा भी एक दिन छुट्टी माना ले? मैंने सोचा यही पिकनिक मनाए जाए। एक बात बताओ, तुम लोग चुप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, इसी तो अच्छे शोर करते हुए लगते हो। खैर शोर वोर बाद में करना, पहले कुछ खा लिया जाए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। क्या क्या खाएंगे? चिप्स, समोसा, पेस्ट्रीज, चॉकलेट्स? क्या लोगे? सबसे पहले समोसा लो, खा लो। चलो हम सब दोस्ती कर लें।
क्यों जीना? मेरी दोस्त बनोगी? मुझे भी दो, मुझे सचमुच बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख। मेम साहब, मैंने तुम्हें 3 महीने का एडवांस दिया था, लेकिन मुझे जगह बहुत पसंद आ गई। बालकनी के आगे गार्डन, गार्डन के आगे समुद्र, समुद्र के इसलिए तुम चाहो तो 6 महीने का एडवांस और ले सकते हो। और फिर कभी फुटबॉल मेरे मुंह पर आई तो मैं कभी वापस नहीं करूंगी, समझे? और तेजा, मेरी होने वाली हुकूमत के होने वाले वजीर इतने निकम्मे और नालायक हैं कि बंबई के साहिल पर अभी तक कोई ऐसी जगह नहीं ढूंढ सके जहां से मैं अपने हथियार हिंदुस्तान भर में भेज सकूं। पर मिस्टर मोगेम्बो, बात यह है कि हमने मोगेम्बो कोई सफाई सुनना नहीं चाहता। वो सिर्फ अपनी जीत, अपनी हुकूमत और अपनी बादशाह देखना चाहता है। मोगेम्बो के इरादे आसमान से भी ऊंचे हैं और तुम बंबई के साहिल पर जो जगह आपको चाहिए थी उसका इंतजाम हो जाएगा। मोगेम्बो खुश हुआ? अरे अरे सर फोड़ दिया मेरा। अरे हीना की बच्ची दाल दाल कच्ची की। अरे फिर अरे कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए भाई तुमको? अरे कैलेंडर। अरे छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, मैं कहता हूँ चाहिए क्या तुमको भैया? अरे छोड़ो, अरे छोड़ो तुम लोग, भैया कैलेंडर छोड़ दो मुझे। बच्चों को हाथ मत लगाना। मत मारो अरुण भाइयों को, प्लीज मत मारो। रूपचंद जी, मेरे बच्चे। नमस्कार दादा साहब। नमस्कार तेजा साहब, आइए। यही है वो, तुम्हारा नाम अरुण है या जो भी है, सुनो 2 दिन में यह मकान खाली कर दो। हुजूर इसका यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। कमीना कहीं का यहाँ कहता फिरता है कि हमारे अनाज में आधे कंकर पत्थर होते हैं, क्यों? अच्छा, ये सारे धंधे और ये सारे आदमी हमारे हैं, तुम जहां भी रहे अगर इनके खिलाफ एक लफ्ज भी बोले तो जुबान गुद्दी से खींच दी जाएगी, समझे? चलिए तेजा साहब। दो दिन अंकल जी वो बहुत खतरनाक लोग हैं। अरुण कुछ दिनों से परेशान है ये तो मैंने महसूस किया था, लेकिन इस तरह के बदमाश लोग उसके दुश्मन बने हुए ये मैं नहीं जानता था। तुमने अच्छा किया मुझे खबर दे दी। जरा अरुण को बोलो मुझसे मिले, शायद मैं उसकी मदद कर सकूं। अब बेटा तुम घर जाओ, मुझे और कहीं जाना है। संभल के जाना बेटा, जा।
ऑफिसर सिन्हा है। लारी पीछे लग, पीछे पीछे, वापिस 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 वापिस, पीछे 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 पीछे। सिन्हा सिन्हा, ये मिस्टर सिन्हा, पकड़ो पकड़ो इसको, भाग ना भाई, पकड़ो पकड़ो, निकलो, पीछे सिन्हा, पकड़ो भाई, पकड़ो। सर मैं फोन कर सकती हूँ? हाँ, लेकिन कहाँ करोगी? प्रेस में। अरे भाई, मेरा पूछने का मतलब यह है कि कहां से करोगी, फोन कहां है? ये क्या है? ये फोन नहीं है, ये रेडियो है सीमा। या तो यहां पर रॉन्ग नंबर लगते हैं, या जब लगाने के लिए फोन उठाओ तो दूसरे टेलीफोनों की आवाज है। पचरंगी प्रोग्राम चलता रहता है यहां पर। पचरंगी प्रोग्राम? हाँ, कभी दो औरतें आपस में अपनी अपनी सास की बुराई कर रही है, तो कभी दो साहूकार हल्दी और चिरौंजी के भाव पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो कभी मोहब्बत से लदा गधा मोहब्बत से लदी गधी के साथ गले पर की बातें कर रहा है। कमाल हो गया, शरफ मल्होत्रा, डोंट टॉक। हेलो, यस मिस्टर देगा, आपको क्या चाहिए? सोना, चांदी, बंदूकें, राइफल्स, बम, हैंड ग्रेनेड्स। थैंक यू मिस्टर वॉलकॉट, आज शाम को आप हमारे यहाँ आइए, ये सब काम की बातें भी हो जाएंगी और कुछ आपका दिल भी बहला देंगे हम। वो कैसे? हवाना की मशहूर डांसर मिस हवा हवाई का नाम तो सुना होगा आपने। मिस वॉलकॉट, आपकी शाम उसी के नाम रंगीन बनाई जाएगी। मिस हवा हवाई, नाम तो सुना। हमने भी आज तक नाम ही सुना है, तो फिर आइए आज देख भी लेते हैं। मगर आना कहाँ है? हवाई लेक, बंगला नंबर 24। राइट। हवा हवाई। अरे अरुण भैया, अच्छा हुआ आप यही मिल गए, आपकी ये चिट्ठी आई है। सिन्हा साहब की चिट्ठी? अरुण, मैं यहां से कहीं दूर जा रहा हूं, और जाने से पहले वो राज तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं जो मैंने आज तक तुम्हें नहीं बताया था। लगता है बिजली नहीं है। गैजेट अपनी कलाई पर बांधकर इसका बटन ऑन करेगा, वो दिखाई नहीं देगा। ऐसी हालत में इंसान को सिर्फ लाल रोशनी में या लाल शीशे के जरिए देखा जा सकता है। लाल रंग पर इस गैजेट का कोई असर नहीं होता, वरना किसी भी रंग के कपड़ों में किसी भी तरह की रोशनी में इस गैजेट का स्विच ऑन करते ही इंसान पूरी तरह इनविजिबल हो जाएगा और दुनिया की कोई भी आंख उसे नहीं देख सकेगी। सेना साहब ने कहा वो तो सच निकला। पहलो इसे,
हाँ। अब स्विच ऑन करूं? हाँ हाँ। अरे अरुण भैया लाइट तो, अरुण भैया आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ जुगल। आप तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। क्या मैं सचमुच दिखाई नहीं दे रहा? नहीं। बिल्कुल नहीं? नहीं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा जुगल कि मैं सचमुच दिखाई। अरे जुगल, मैं तो आईने में भी दिखाई नहीं दे रहा। देख, आकर देख। वो तो मुझे भी मालूम है अरुण भैया, लेकिन आप वापस कैसे आएंगे? मैं ये बटन फिर से दबाऊं? अरे 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 अरुण भैया, आप वापस आ गए। ये तो मैं वापस आ गया। अरुण भैया, पहले आप दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन अब दिखाई दे रहे। ये तो कमाल हो गया अरुण भैया। कमाल हो गया ना? हाँ। अच्छा जुगल, फिर गायब हो जाऊं? हाँ। नहीं 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 अरुण भैया, प्लीज वापस आ जाओ। अरुण भैया मुझे बहुत डर लगता है। अरुण भैया प्लीज वापस आ जाओ, मेरे अच्छे भैया प्लीज। मैं दिखाई दे रहा हूँ ना? मैं दिखाई दे रहा हूँ ना? ये देख मैं फिर दिखाई दे रहा हूँ। वापस जाओ, वापस जाओ। हाँ हाँ। तो मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा। अच्छा जुगल, पीछे देखना। हाँ? वो लाल रंग के शीशे के टुकड़े पड़े ना, उनमें से एक यहां ले आओ। अब जरा इसे देखना मुझे। अरे अरे, आप तो लाल रंग में दिखाई देते हैं। और अब? अभी आप नहीं दिखाई दे रहे। मैं दिख रहा हूँ? आप वापस दिखाई दे रहे। अरुण भैया, लाल रंग से बच के रहना। मैं तो लाल रंग से बच जाऊंगा, मगर दागा और तेजा जहां भी हैं, मुझसे नहीं बचेंगे। गुड, वेरी गुड। आ मिस हवा हवाई, प्लीज कम इन। हेलो, यू मिस्टर धागा? धागा नहीं, धागा। धागा? वी 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 वी। ये है मिस्टर तेजा। तेजा, फनी नेम। तेजा। तेजा? तेजा। तेजा, राइट। मिस हवा हवाई, हमारे खास मेहमान आए हुए हैं मिस्टर वॉलकॉट, जिन्हें आपको एंटरटेनमेंट करना है। ओह रियली? आई डोंट माइंड, बट कॉस्ट्यूम चेंज, आई नीड वन लू। क्या? रूम? रूम? या। ज्ञान सिंह? यस सर। मैडम को जरा ड्रेसिंग रूम दिखा दो। थैंक यू मिस्टर भेजा। हैव अ बनाना? हाँ भेजा, राइट। दादा साहब, ये मुझे भेजा क्यों बुलाती थी? मैडम, ये आपका रूम है। वाओ। वी 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 वी। थैंक यू। डोंट वरी मिस्टर दागा, तुम लोग जितना गोल्ड मांगता हम देगा। गुड। और हम तुमको गन्स और ड्रग्स भी बेच सकता। ठीक है मिस्टर वॉलकॉट, हम गोल्ड भी लेंगे, ड्रग्स भी लेंगे और गन्स भी। सबसे पहले हमें एक चीज मांगता। वो क्या है? सोने का हनुमान। दिखाइए। मैं जानता, ये मूर्ति ये तो शहर के बड़े हनुमान मंदिर में है। ये फॉरेन देश में बहुत कीमत रखती है। मिस्टर वॉलकॉट, हम ये सोने की मूर्ति आपको जरूर दिलाएंगे, पहले अपना बिजनेस तो शुरू होने दीजिए। अरे दागा साहब कहाँ गए? दागा साहब,
तू भी
इन्फॉर्मर, सीआईडी की एजेंट या हमारे किसी दुश्मन की जासूस, ये जो भी हो बता देगी। जाने, मेरे कमरे में जाओ, वहां एक नरम चमड़े का हंटर रखा है। गेट इट। इस हंटर की आवाज सुनी तुमने? अब ये हंटर तुम्हारी चीखों की आवाज सुनेगा। बताओ क्यों आई हो तुम यहां, क्या पता लगाने? तुम जो पता लगाने आई थी वो हम खुद ही तुम्हें बता देते हैं। हम स्मगलिंग, ब्लैक मार्केटिंग, मिलावट, जुआ, सट्टा, शराब, ऐसा जो भी धंधा तुम सोच सको हम करते हैं। अब मरने से पहले तुम हमें यह बताओगी कि तुम्हें यहां किसने भेजा है। समझ गया, अब तुम्हारी जुबान खोलेगा ये हंटर। चक्कर आ गया था, हट जाओ। कोई बात नहीं, अभी बताता हूं मिस हवा हवाई को। Ah!
ये मेरा हंटर, ये मेरा अपना हंटर। ये चापड़ किसने मारा? चापड़ कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? सो मिस्टर तेजा, क्या बोला ये चोकरी? कौन है? क्या बात है? मिस्टर दागा, व्हाट आर यू डूइंग? क्या? ये पुष्कर चापड़ कौन मार रहा है? व्हाट नॉनसेंस, तुम ड्रिंक जास्ती कर गया है। कौन मरेगा? देयर इज नोबडी हियर। समबडी। मिस्टर तेजा, ये सब इस पाटली के वजह से बोलता है, इस पाटली के वजह से। आहा, चुकरी। चीयर्स। अब क्यों ना मैं तुम दोनों को भी गोली मार दूं? कौन हो तुम? क्या हो तुम? कहां हो तुम? मैं कोई भूत नहीं, प्रेत नहीं, साया नहीं, आसेब नहीं। मैं तुम्हारे जैसे लोगों के जुल्म और बेईमानी का शिकार हूं, एक आम हिंदुस्तानी हूं। मेरा नाम है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया? ओह माय गॉड, ये तो फ्रंट पेज न्यूज़ है। मिस्टर इंडिया, अगर तुम आम हिंदुस्तानी हो तो दिखाई क्यों नहीं देते? क्योंकि तुम्हारी आंखों में इतना लालच भरा हुआ है कि तुम्हें आज तक कोई आम हिंदुस्तानी दिखाई ही नहीं दिया, तो आज क्या देखोगे? तुम चाहते क्या हो मिस्टर इंडिया? समझाना चाहता हूं कि अगर तुमने उन बच्चों को उनके मकान से निकालने की कोशिश की तो समझ लो कि मैं तुम्हें इस दुनिया से निकाल दूंगा। एक्सक्यूज मी मिस्टर इंडिया, मैं कुछ सवाल पूछना चाहती हूं। पेन पेन पेन। वन मिनट। एक्सक्यूज मी, थैंक यू। आप मिस्टर इंडिया, मैं यहां हूं। आप बचपन से ही गायब हैं। मेरा मतलब है कि आप ये नहीं दिखाई देने वाले प्रोफेशन में कब से हैं? यू नो व्हाट आई मीन, आप हमारे पाठकों के लिए कुछ कहना चाहते हैं? मिस हवा हवाई, आप भूल रही हैं आप कहां हैं। कहां मैं? ओह माय गॉड, यू आर राइट मिस्टर इंडिया, ये लोग मुझे। घबराइए मत, मैं आपको घर तक पहुंचा दूंगा। थैंक्स अ लॉट। दागा और तेजा, ये मेरी तुम्हारे लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। नहीं, उस मकान की तरफ मैं देखूंगा तक नहीं। सवाल सिर्फ इस मकान का नहीं, पूरे देश का है तेजा। आज तक तुम लोग बेईमानी और जुल्म का बाजार गर्म करते रहे, मगर अब तुम्हारे जुल्म और पाप के प्याले छलक उठे हैं। अब तुम्हारे एक एक जुर्म का हिसाब लिया जाएगा। ये धमकी नहीं, मिस्टर इंडिया का वादा है। चलिए मैडम, आज के लिए इतना काफी है। ओके। परेशान क्यों हो? यह तो हमारे लिए खुशी की बात है, क्योंकि अगर कोई मिस्टर इंडिया है तो इसका मतलब यह है कि वो फॉर्मूला जिसकी मोगेम्बो को तलाश थी, वो आज नहीं तो कल मोगेम्बो को मिल ही जाएगा। मिस्टर इंडिया? मिस्टर हाँ, इंडिया तो कोई बॉडी बिल्डर है? ओ सर, आप तो मेरी बात ही नहीं समझे। ये मिस्टर इंडिया बड़ा कमाल का आदमी है। अच्छा।
वो दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता? दिखाई नहीं देता। तो कहां कहां गायब रहता है आजकल? ये मल्होत्रा भी दिखाई नहीं देता, इसे नौकरी करनी है कि नहीं? हेलो जी, फायर ब्रिगेड? नो सर। सर, ये मिस्टर इंडिया जो है वो इनविजिबल है, वो आपके सामने ही होगा लेकिन आप उसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन आप उसकी आवाज सुनेंगे। वो ये चीजें उठाएगा, आपको उड़ती दिखेंगी लेकिन वो नहीं दिखाई देगा। सर, मैंने खुद अपनी आंखों से उसे देखा है। मेरा मतलब है नहीं देखा है लेकिन देखा है। सर, आप समझ गए ना, इनविजिबल। सर, सीमा, तुमने बहुत दिनों से छुट्टी नहीं ली, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। नो प्रॉब्लम, गो इट एग्रेसिव। आप समझते हैं मैं गलत कह रही हूँ? जब हमारे पेपर के फ्रंट पेज पर मिस्टर इंडिया का इंटरव्यू छपेगा तो हंगामा हो जाएगा। क्या 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 क्या? मेरे पेपर में? हाँ। फ्रंट पेज पर मिस्टर इंडिया जो दिखाई नहीं देता उसका इंटरव्यू? सर, आप नहीं थे तो मैंने सीधा प्रेस में दे दिया। ओ गॉड, तुम मेरा पेपर बंद करवाओगी अपनी वो बकवास छापकर? व्हाट डू यू मीन, मैंने जो लिखा है उसे बकवास कह रहे हैं? ऑफ कोर्स बकवास है। यू आर फायर्ड मैडम, यू आर फायर्ड। आपकी आपकी नौकरी गई। यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव मी। वो जिस तरह वो मिस्टर इंडिया दिखाई नहीं देता है, अब तुम मिस इंडिया बन जाओ और तुम मुझे दिखाई मत देना। आउट, बाहर, बाहर। ठीक है, मैं जा रही हूं। सॉरी मैडम। मल्होत्रा जी, इस लेडी के पीछे जाओ और इसने जो बकवास की है उसको प्रेस में छपने से रोको। ओके सर। हेलो, है जी? जी जी हाँ, बिल्कुल सही नंबर लगाया आपने। ये मेंटल हॉस्पिटल ही है और आपकी फैमिली में जितने भी पागल हो उन सबको भेज दीजिए, उन सबको मैं क्राइम रिपोर्टर बना दूंगा। मेरा एडिटर कहता है मैं पागल हूँ। पागल तो वो है जो मेरी बात नहीं मानते। देखो, मैं तुम सबको बता रही हूँ कि मिस्टर इंडिया है। लेकिन आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं? इसलिए कि थोड़ी देर में मिस्टर इंडिया आने वाला है यहाँ। मिस्टर इंडिया और यहाँ? हाँ हाँ, मिस्टर इंडिया यहाँ। जिसे कहो मानने को तैयार ही नहीं। और तो और, तुम्हारे अरुण भैया से भी कहा, चलो तुम भी चलो। हाँ, लेकिन नहीं, अरुण भैया मिस्टर इंडिया है। अरे छोड़ो, ये क्या समझेंगे मिस्टर इंडिया क्या है? चलिए आप ही समझा दीजिए, क्या है मिस्टर इंडिया? वो कमजोरों का साथी है, जालिमों का दुश्मन है। वो कहता है कि इस दुनिया में सब। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? तुम्हें तो मिस्टर इंडिया के होने पर यकीन ही नहीं है, तुम तो यहाँ आने को तैयार ही नहीं थे, फिर क्या है? मैंने सोचा कि मिस्टर इंडिया यहाँ आने वाला तो है नहीं, तो मैं ही चला चलूं। देखो, एक तो मैं तुमसे बात ही नहीं कर रही थी, बीच में तुमने टांग अड़ाई और ऊपर से तुमने अजीब मुश्किल है। अगर आपसे कोई मिस्टर इंडिया के बारे में बात करने को तैयार ना हो तो आप बुरा मान जाती है, और कोई बात करे तो आप बुरा मान जाती। अरे भाई, जुगल कोई करे तो क्या करे? तुम्हारा जो जी चाहे करो, बस मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, बहुत हो गया, बहुत। अरे अरे, भड़क गई। अच्छा, तुम लोग यहाँ ठहरो। अरे मैडम, ठहरिए, सुनिए मैडम, मैडम प्लीज, आप बेकार बुरा मान गई। अरे मैं तो आपका वेलविशर हूँ, मेरी बात मानिए, ये मिस्टर इंडिया का चक्कर छोड़ दीजिए। साहब, जो आदमी दिखाई नहीं दे उसका क्या भरोसा? मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अच्छा, तो दो दिन में आपके लिए मिस्टर इंडिया इतना इम्पोर्टेंट हो गया, समझ नहीं आता क्या पट्टी पढ़ा दी उसने। अरे मुझे मिले तो बताओ उस बदमाश को। तो ये बात है? क्या बात है? आप समझे, क्यों खटकता है तुम्हें मिस्टर इंडिया? मुझे क्यों खटकेगा? जलते हो। अरे भाई, मैं क्यों जलूंगा? इसलिए कि तुम जानते हो। मैं जानता हूँ? क्या जानता हूँ? Thank you.
मत कर इतनी पूजा। वो मिस्टर इंडिया तो नहीं? चुप, वो दिखाई नहीं देता। अरे बचाओ! अरे कोई आदमी डूब रहा है! अरे बैठ जीना। बस यही लिटा दो, बच गए बेचारा। अरे अरे ये तो अपने बाबूराम जी हैं। मैं जानता हूँ साहब, खुदकुशी पुस्तली है, पर इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था साहब। मेरी बेटी की शादी तय हो गई, 4 दिन बाद बारात लगने वाली साहब। मैंने अपना पेट काट काट कर रुपए जमा किए साहब। करगा पैसे मेरी शादी के लिए करगा। बेटी की शादी करने चला था हराम साहब। पैसे, ये पैसे मेरी बेटी की शादी के लिए करगा। आपकी सरला हम सब की बहन जैसी है, शाम तक कुछ ना कुछ हो जाएगा, आप भरोसा रखिए। हाँ हाँ, कह तो दिया है, लेकिन शाम तक करोगे क्या? मैं भी तो सुनूं। वो सोचना पड़ेगा। सोचो, तुम सोचते रहो, लेकिन मैं तो उस बदमाश कार का के अड्डे पर जा रही हूँ। जैसे भी हो, बेचारे बाबूराम का पैसा वसूल करके नहीं लाई तो मेरा नाम सीमा नहीं। आंटी, कारगा के अड्डे पर मैं लेके चलता हूँ। अच्छा चलो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आए आए, कौन है तुम? मैं कौन? चार्ली। कौन चार्ली? यू डोंट नो अबाउट चार्ली चापले? आपको नहीं? आपका नाम? दबच्चा। दबच्चा? आप कौन है? मेरा नाम कारगा है। गुरखा? कारगा। गुड नेम। हां भैया, आराम से आराम से धीरे-धीरे पैसा लगाओ, ले जाओ, लूट रहा है माल, जल्दी-जल्दी ले जाओ, चक्का घूमेगा, चक्का रुके। अरे भैया, मारामारी धक्का मुक्की बिल्कुल नहीं, आराम से दी, आराम से एक-एक करके आओ। सीमा दीदी, वो हमें देख रहा है। अब तो जान बचाने के लिए थोड़ा खेलना ही पड़ेगा। यहाँ नहीं, वहाँ पर। ये 50 रुपए नंबर 7 पे। घूम गया। Come on। मेरे भाई, नंबर आने वाला है। हाँ, नंबर तीन। नंबर सात। My lucky number। Money, please। भैया, आपका नंबर गलत लग गया। हाँ भाई, कोई और है क्या? एक्सक्यूज मी, ये 2000। कितना? नंबर 4 का। 2000? 2004 का। नंबर 4 पर? आए, चलो यहाँ से। आए, कौन सा नंबर लगाया इसने? नंबर 4।
आया था, गया पैसा। 2000 के 20,000। मनी 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 प्लीज मत देना इसे, तुमने बेईमानी की है। क्या बात करता है? व्हाट चोरी और बेईमानी? बच्चे ये क्या हो रहा है? ओके ओके मिस्टर गुरका, हम ये निशाना फिर लगाएगा, तुम इधर ही ठहरो। ओके क्या इंसल्ट? ये लो लगाओ नंबर 4। लगाओ 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 बस। क्या नंबर 4 नहीं, नंबर 7 पे लगाना पड़ेगा। नंबर 7 नंबर 7 पर इस महीने की नंबर 7। हाँ मेरे पीछे फट। Thank you.
जल्दी 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 चल जाओ। इधर 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 उधर नहीं बाबा, इधर देखो बस भी आ गई। नमस्ते। नमस्ते। ये लीजिए बाबूराम जी, ये सारे रुपए आपके हैं। धूमधाम से शादी कर लीजिए अपनी बेटी की। किस जुबान से शुक्रिया अदा करूं आपका? शुक्रिया तो मिस्टर इंडिया का अदा कीजिए, ये सब उन्हीं का कमाल है। ये तो आपका बड़प्पन है सीमा जी, जान पर खेलकर जुआ खेलने तो ये गई, वो क्रेडिट पता नहीं किस मिस्टर इंडिया को दे रही। ये सब बोलना जरूरी है? जरूरी तो नहीं फिर भी। अच्छा जी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। 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 वेल डन सीमा। मिस्टर इंडिया। सीमा तुमने बाबूराम के परिवार के लिए जो भी किया बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। थैंक यू मिस्टर इंडिया। लेकिन कारगा के अड्डे पर अगर तुम ना होते तो मैं तो बड़ी सीरियस प्रॉब्लम में आ जाती हूँ ना। मेरे होते हुए तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सीमा। सो स्वीट ऑफ यू। सुना है तुम्हारे एडिटर साहब ने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। एडिटर? उसका तो नाम मत लेना, पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। सीमा डोंट वरी। वरी? वरी क्यों ना करो, वो समझता है मैं पागल हूँ, वो मानने को तैयार ही नहीं कि तुम कि आप हो। उनसे कहना कि कल 5 बजे मैं उन्हें ऑफिस में मिलने आऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हेलो। हेलो। नो 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 सॉरी रॉन्ग नंबर, ये हमदर्द दवाखाना नहीं है। अच्छा भैया, तो तुम ये कहना चाहती हो कि ठीक 5:30 बजे दरवाजा खुलेगा, दिखाई कोई नहीं देगा, लेकिन कोई यानी कि मिस्टर इंडिया अंदर आएगा, कुर्सी अपने आप पीछे खिसकेगी, वो बैठ जाएगा और आवाज आएगी, हेलो मिस्टर गाय तुंडे कैसे हैं आप? मैं कहूंगा जी हेलो मिस्टर इंडिया, ये लीजिए सिगार, सिगार पीजिए, और फिर सिगार अपने आप जैसे हवा में उठेगा और फिर दुआ। हो सकता है? हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि फिर तुम्हारी अचानक नींद खुल जाए और तुम्हें पता लगे कि तुम अपने बिस्तर पर सो रही थी। हेलो सीमा। हेलो मिस्टर इंडिया। हेलो मिस्टर गाय टोंडे, कैसे हैं आप? आई एम फाइन, आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर। शुक्रिया। आप इतने हैरान क्यों दिखाई दे रहे हैं? जी वो कोई बात नहीं, बात ये नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। कमाल है सीमा के, एक तो ये दिखाई नहीं दे रहे और फिर दूसरा मुझसे पूछ रहे कि मैं इतना हैरान क्यों लग रहा हूं। सिगार मिस्टर इंडिया। थैंक यू सीमा। एडिटर साहब आपके पास माचिस या लाइटर होगा? जी जी लाइटर है, लाइटर। वेरी सॉरी सर। थैंक यू एडिटर साहब। मैंने सुना है कि आपने मिस सीमा सोनी को नौकरी से निकाल दिया है। आपको किसने कहा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता भाई। सीमा बताओ इनको प्लीज क्या सर, क्या हमारा तो ये जो पूरा स्टाफ है इट्स लाइक फैमिली, एक छोटा सा परिवार है, और लाइक ए स्मॉल फैमिली, हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीजें नहीं होती है सर। हम लोग बहुत आपस में प्यार से रहते हैं, वेरी लवेबल, प्यार करते रहते हैं। भाई निकालना कैसा है? ये तो तुम्हारा अपना पेपर है, है? मुझसे पूछने की क्या जरूरत है? तुम इनका इंटरव्यू लो, इंटरव्यू छापो, कमाल करती हो। वो क्या है कि मैंने आपको देखा नहीं था, और अब जब देखा, जब नहीं देखा तो देखा ना कि नहीं देख सकते। एडिटर साहब आपका फोन। अच्छा मिस्टर गायटोंडे, मैं चलता हूं।
ओके बाय सीमा। बाय मिस्टर इंडिया। मैं तुम्हें कल शाम को 7 बजे वहीं मिलूंगा। ओके। आपके हाथ में फोन है सर। जी फोन फोन हाथ में। ओके हेलो हेलो हेलो, ये क्या हो रहा है सीमा? ये सुनाई नहीं दे रहा, वो दिखाई नहीं दे रहा। आई मीन व्हाट इज दिस? देखो ये बेचारी तो पागल हो गई अपने बच्चे की मौत देखकर। भैया आज ही सुबह उसे देखा था, गली के कोने में खेल रहा था, पता नहीं ये अचानक कैसे हो गया। अरे भैया घर आया, खाना खाया और 15 मिनट में खत्म। भैया ये तो रोज की बात हो गई, खाने पीने की चीजों में मिलावट होने से न जाने कितने लोग रोज के रोज मर रहे हैं। अरे भैया अखबार में भी आया, कितने शहरों में ऐसा हो रहा है। छी छी छी, कौन लोग होंगे वो जो ऐसा मिलावट का धंधा करते हैं? वो लोग जो भी हैं, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उनको अपने किए की सजा मिलेगी। बाबूजी 2 दिन से बच्चे भूखे, बाबूजी रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं हुआ। बाबूजी 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 और कुछ लेंगे सर? मैम साहब से पूछो। नीलम डार्लिंग और कुछ चाहिए? आप तो जानते हैं कि मैं डाइटिंग कर रही हूँ। आप तो जानते हैं कि मैं कितना कम खाती हूँ, है ना? लोग मुझे कहते हैं कि हिंदुस्तान में खाने की कमी है। उन्हें कहो आओ ये टेबल आकर देखो, बोलो कहाँ है कमी। फैंटास्टिक फूड, वाह तेजा साहब, आप थोड़ा सूप लीजिए ना प्लीज। अपने हाथों से पिलाओगी तो सूप तो क्या, जहर भी पी लूंगा। हाउ स्वीट। ये क्या कर रही हो? आई एम सो सॉरी तेजा साहब। इट्स ऑल राइट ऑल राइट। पता नहीं मेरा हाथ, ये चमचा आपके कान में? डार्लिंग मैं कान से खाना नहीं खाता, कभी नहीं। आई एम सॉरी, अब तो मैं अपने तेजू को जरूर खिलाऊंगी। आ ले 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 ले। ये क्या हो रहा है? मैं पागल हो जाऊंगी। I'll go mad. Can I help you, sir? कुछ नहीं, हम आपस में बात। तुम जाओ। नीलम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तेजा साहब, believe me, दोनों बार मुझे ऐसा लगा किसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ओह बाप रे, समझ गया। चलो चलो जल्दी यहाँ से चलते। ठहरो तेजा, तुम यहाँ से अपना डिनर खत्म करके उठोगे। नहीं मैं। आप कहाँ जा रही हैं मैम साहब? तेजा साहब को आप ही अपने हसीन हाथों से खाना खिलाएंगी। तेजा साहब, आपका डिनर मैं अपने साथ लेकर आया हूँ। ये है वो सफेद कंकर जो आप चावल में मिलाते हैं, और ये काले कंकर दाल के, और ये है वो भूरे कंकर गेहूं वाले। तेजा साहब आज आपका ये खाना है, और मेम साहब आपको ये खाना चांदी के चमचे से खिलाएंगे। शुरू हो जाइए मेम साहब, कम ऑन, उठाइए चमचा। तेजा साहब मुंह खोलिए। तेजा साहब प्लीज, आई एम सॉरी। अब आप तेजा साहब को दाल खिलाएंगे। वेरी गुड तेजा साहब, मुंह खोलिए। तेजा साहब आपको जानकर खुशी होगी
कि आपके सारे गोदामों और दफ्तरों का पता मुझे मिल चुका है। चबाते रहिए। तेजा साहब, पुलिस इस वक्त आपके सारे गोदामों पर छापे मार रही है। आप बर्बाद हो चुके हैं। एक ऐसा हिंदुस्तानी जो जानता है कि जब भूख लगती है तो कैसा लगता है। मुंबई, कलकत्ता और बेंगलोर के अलावा देश के बहुत से अन्य शहरों में भी लोगों ने ऐसे ही शानदार जुलूस निकाले। आज एक सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मिस्टर इंडिया ने मिलावटी अनाज के गोदाम तथा गैर कानूनी हथियार के कारखाने पकड़वाकर सरकार की बहुत मदद की है, लेकिन मिस्टर इंडिया कौन है इस बारे में आज भी विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सका। आज संसद में प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने मिस्टर इंडिया के बारे में पूरी जानकारी सदन के सामने रखने की मांग की। अरुण भैया, मुझे मालूम मिस्टर इंडिया कौन है। कौन है, कौन है? मेरे क्लास में कहते थे कि मिस्टर इंडिया आर्मी में है। आर्मी में? हाँ, इसीलिए तो देश के दुश्मनों से लड़ाई कर रहा है। चल अरुण भैया, मुझे मालूम मिस्टर इंडिया कौन है। मेरी टीचर कहती है वो डॉक्टर है। डॉक्टर है? हाँ, इसीलिए तो उसने मिलावटी अनाज के गोदाम पकड़ा दिए। बस बस अरुण भैया, अबे टीवी बंद करो और दीदी के कमरे से बाहर निकल चलो, वरना दी आएगी तो हम सबको पकड़वा देगी। अबे हट। अरे वो कैसे आएगी, वो तो आज शाम को। अरे मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा। मिस्टर इंडिया, तुम्हारे दिल में लोगों के लिए कितना प्यार है। सिर्फ लोगों के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। मैं क्या जानू, तुमने कभी कहा ही नहीं। हर बात कहना जरूरी है? नहीं, कुछ बातें आंखों आंखों में भी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ तो वो बात भी नहीं हो सकती। चलो, वो बात जो आज तक ना तुम सुन सकी ना देख सकी, वो बात मैं तुम्हारे पास आकर कहूँगा, बहुत पास आकर, तुम्हें छूकर, तुम्हें अपनी बाहों में लेकर, और ऐसे कहूँगा कि तुम अपने कानों से नहीं अपने होठों से सुन सकोगी। I love you.
कैसी हवा है धुली धुली आज फिजा है खुली खुली कैसी हवा है धुली धुली आज फिजा है खुली खुली सारा नजारा नया नया दिल ने पुकारा पिया पिया सारा नजारा नया नया दिल ने पुकारा नेक्स्ट नाखून
दांत ई। नेक्स्ट आओ जीना। जबान दांत ई। नाखून नाखून हाथ के पिछवाड़े होता आगे नहीं। अरे नाखून काटे नहीं? काटे फिर बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं? चलो कुमी इसके नाखून काट दो। नाखून। अरुण भैया, अरुण भैया सुना आपने? हनुमान टेंपल से बजरंग बली चोरी हो गए। बाय गॉड किसने की होगी हरकत? मुझे मालूम है, ये मूर्ति शहर के बड़े बिजनेसमैन दागा ने चुराई है। अब मिस्टर इंडिया कहाँ मिलेगा? फैंटास्टिक फैंटास्टिक। आपको जो चाहिए था वो तो आपको मिल गया मिस्टर वॉलकॉट, और इसके बदले में हमको जो चाहिए वो सब मिलेगा। यानी गुड, वेरी गुड। विनोद ये सारा सामान यहीं बेसमेंट में रखवा दो। कल हम सोने का हनुमान अपने प्राइवेट प्लेन में हिंदुस्तान से बाहर ले जाएगा। जरूर ले जाइए। इंडिया के रहने वालों को बहुत जल्द सर झुकाने माथा टेकने के लिए किसी देवी देवता किसी भगवान किसी खुदा की जरूरत नहीं होगी। वो दिन आने वाला है मिस्टर वॉलकॉट जब 80 करोड़ इंसान अगर सर झुकाएंगे तो सिर्फ मोगैम्बो के सामने, हमारे सामने। वो दिन दूर नहीं है जब हिंदुस्तान के रहने वालों की जिंदगी और मौत हमारी मुट्ठी में होगी, और उस दिन हिंदुस्तान अगर किसी की पूजा करेगा तो वो हमारी, हम मिस्टर वॉलकॉट इस देश के नए भगवान बनने वाले हैं। इंजन गॉड मरता है? कमीने बेशरम, एक तरफ तुम ये पवित्र मूर्तियां इन अमीर विदेशियों के हाथ बेचते हो और दूसरी तरफ गरीब हिंदुस्तानियों की जिंदगी में अपनी लालच का जहर घोलते हो। तुम्हारा बस चले तो तुम हमारा जीवन हमारी आत्मा हमारा देश सब बेच खाओ। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। हास्ता भी है कुछ नहीं। वेट वेट, तुम मेरा हनुमान हो। तुम इस देश के नए भगवान बनने वाले हो? हाँ? नो। तुम भगवान नहीं शैतान हो डागा। नहीं। शैतान हो, गद्दार हो। हाय बजरंग बली या जय बजरंग बली? अरे जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अंग्रेज की औलाद तू कब भाग रहा है? मुझे मालूम नहीं था कि आप हिंदुस्तानी लोग के लिए होली है। मैं गधा हूँ, मैं गधा गधा उल्लू। आप भगवान है मुझे मालूम है। बोल फिर कोई मूर्ति चुराएगा? नहीं बजरंग बली। क्या हुआ भगवान, क्या हुआ? मेरा हनुमान क्या मुझे पागल हो गया क्या? बोल इन गद्दारों को बंदूकें बेचेगा? नया बजरंग बली। बजरंग बली जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। सॉरी बजरंग बली, नहीं बजरंग बली, मेरा बजरंग। आइए मिस्टर वॉलकॉट, जय बजरंग बली। क्या बोलता है? जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। फिर से बोलो। जय बजरंग,
जोर से बोलो जय बजरंग, दिल से बोलो जय बजरंग, जय बजरंग, जय बजरंग, जय बजरंग, वो रही हनुमान की मूर्ति जो चोरी हो गई थी। अरे हाँ, ड्रग्स, माय गॉड, बॉम्ब्स। ये तो कुछ भी नहीं है ऑफिसर। आप जब इस पूरे घर की तलाश लेंगे तो आपको एक ऐसे गिरोह का पता चलेगा जो हमारे पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहता है। मिस्टर इंडिया? जी हाँ, मैंने ही आपको फोन किया था। थैंक यू वेरी मच मिस्टर इंडिया, थैंक यू। नहीं ऑफिसर, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा काम अधूरा है और वो उस दिन पूरा होगा जब मैं हिंदुस्तान के दुश्मन मोगैम्बो को उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। डागा और तेजा को हरा के मिस्टर इंडिया अपने आप को हिंदुस्तान का रखवाला समझने लगा है? वो क्या समझता है कि वो मुझसे टकरा सकता है? मुझसे, मोगैम्बो से? और ये जाहिल हिंदुस्तानी, मैं देखता हूं कि मिस्टर इंडिया इनकी कितनी मदद करता है। कैप्टन जोरो, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, सड़कों में, बाजारों में, स्टेशनों में बम फटने चाहिए। ट्रांजिस्टर में बम, किताबों में बम, खिलौनों में बम। ऐसी दहशत फैला दो कि हर हिंदुस्तानी घर से बाहर कदम निकालते हुए सोचे कि कहीं ये उसका आखिरी कदम तो नहीं। अच्छा जाओ, ख्याल रखना अपना। ऑपरेशन की तैयारी करो। ओके डॉक्टर। ये मुझे दो, तुम जल्दी से ग्लूकोस लेके आओ। ओके। Thank you.
कितना भी चाहे हिंदुस्तान की किस्मत नहीं बदल सकता। हिंदुस्तान की किस्मत में है मोगैम्बो की गुलामी, मगर उससे पहले तबाही। डॉक्टर वॉटसन, ओकार्ट मिसाइल हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए तैयार है? यस मिस्टर मोगैम्बो, वी आर ओनली वेटिंग फॉर योर ऑर्डर्स। मोगैम्बो अपनी मिसाइल्स देखना चाहता है। ये बटन दबाने से मिसाइल्स अंडरग्राउंड बंकर्स में से बाहर आएंगे। वॉटसन, आगे। ये बटन दबाने से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, मिसाइल्स उड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे सर। डॉक्टर वॉटसन, बटन दबाओ। लेकिन सर, डॉक्टर वॉटसन, बटन दबाओ। काउंटडाउन शुरू होने के ठीक 60 सेकंड बाद एक ब्लास्ट होगा और मिसाइल्स यहां से उड़ जाएंगे। 20 सेकंड्स बचने पर उन्हें उड़ने से रोका जा सकता है, लेकिन उसके बाद अगर रोकने की कोशिश की तो यहां भूचाल आ जाएगा, मिसाइल्स यहीं फट जाएंगे और ये आइलैंड जल के राख हो जाएगा। और अगर नहीं रोका तो ये मिसाइल्स यहां से उड़ जाएंगे और हजारों मील का सफर करते हुए हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों पर गिरेंगे, शहर के शहर तबाह हो जाएंगे। लेकिन मिस्टर मोगैम्बो, इन शहरों के साथ तो मिस्टर इंडिया भी खत्म हो जाएगा और उसी के साथ हमेशा के लिए वो फार्मूला। डॉक्टर फुमांचू,
तुम बेवकूफ हो। तुम क्या समझते हो कि मोगैम्बो ने ये मिसाइल्स आज तक हिंदुस्तान पर क्यों नहीं भेजे? कैप्टन जोरो, हमारे कंप्यूटर्स के मुताबिक मिस्टर इंडिया को सारे हिंदुस्तान से मोहब्बत है, खास तौर पर उन यतीम और अनाथ बच्चों के साथ जो एक निकम्मे वायलिन बजाने वाले के साथ रहते हैं। तुम जानते हो तुम्हें क्या करना है। इन सब को पकड़ के गाड़ी में डाल दो, ले जाओ जल्दी। कीड़े मकोड़े जिन पर मिस्टर इंडिया बहुत मेहरबान है। अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो ये बता दो कि मिस्टर इंडिया कौन है और कहां मिलेगा। अगर तुम लोगों ने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो तुम सबको इस तेजाब में फेंक दूंगा। एक मिनट में हड्डियां गल जाएंगी। कैप्टन जोरो, इन बच्चों को एक एक करके नहीं मिस्टर मोगेम्बो, ये झूठ बोल रहा है। इन सबको और मिस्टर इंडिया को बचाने के लिए। इसे तो मेरे मामूली आदमियों ने मारा है। मैंने इसे इसके घर पर थप्पड़ मारा और ये कुछ नहीं कर सका। ये क्या मिस्टर इंडिया होगा? खामोश। तो तुम मिस्टर इंडिया हो? गायब होकर दिखाओ। पहले मेरे हाथ खोल दो, फिर मैं गायब होकर बताता हूं। मोगैम्बो को तुम बेवकूफ नहीं बना सकते। ले जाओ इन्हें और बंद कर दो अंदर। मोगैम्बो, मोगैम्बो मेरी बात सुनो। मोगैम्बो, सीमा, सिर्फ एक बार मेरे हाथ खोल दो। तुम समझते हो इस तरह झूठ बोल के तुम बचाओगे, सबको बचा लोगे? मेरे हाथ खोल दो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं ही मिस्टर इंडिया हूं। देखो कहां गया। मिस्टर इंडिया हो? हाँ। अरुण, काश मिस्टर इंडिया कहीं से आ जाए तो हम। कोई मिस्टर इंडिया नहीं है मेरे सिवा। जुगल, मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैं सच कह रहा हूं बच्चों, और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी झूठी उम्मीद में रहो कि कोई मिस्टर इंडिया आएगा तुम्हें बचाएगा, क्योंकि मैं मिस्टर इंडिया हूं। लेकिन लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं कि तुम में से कोई मेरी बात माने। मैं मानता हूं अरुण भैया आप मिस्टर इंडिया हैं। मैं भी मानता हूं अरुण भैया कि आप हो मिस्टर इंडिया। मैं भी मानता हूं। मैं भी मानता हूं। और मैं भी
हम जानते हैं कि आप कभी झूठ नहीं बोलते। मेम साहब, किसी का इंतजार मत कीजिएगा। रानी, ये तुम्हारे गले में क्या है? चुंबक है, मैग्नेट। तुम सब अपनी अपनी बेल्ट निकालो। मोगैम्बो के ताज पहनने का वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है। कैप्टन जोरो, हमारा ताज पेश किया जाए। अरुण भैया, वो ब्रेसलेट आपके हाथ से गया कहाँ? समझ में आ गया जुगल, जब मैं वो ट्रॉली से टकराया था तब वो ब्रेसलेट उसी ट्रॉली पर गिर गया होगा। ले चलो इस ताज को मिस्टर मोगैम्बो के पास। बच्चे और मेम साहब यहाँ से निकलो। मगर आप, मैं ब्रेसलेट लेकर आता हूँ। अरुण भैया, लेकिन आप कहाँ ढूंढेंगे और कहाँ मिलेंगे और ट्रॉली? देखो जुगल, जो भी हो वो ब्रेसलेट उन लोगों के हाथों में नहीं पड़ना चाहिए, दुनिया बर्बाद कर देंगे वो लोग। तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। मेरे साथ आओ। जाइए मेम साहब। तुमने इतनी बार मेरा साथ दिया है, तुम समझते हो आज तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? नहीं मिस्टर इंडिया, मैं ऐसे नहीं कर सकती। हिंदुस्तान के कई दुश्मन मुल्क मेरी मदद करने को तैयार हैं। कैप्टन जोरो, मिस्टर इंडिया के उन चाहने वालों को फौरन यहां ले आओ। सब कुछ वही हो रहा है जो मोगैम्बो चाहता है। बस
वो इनविजिबिलिटी का फॉर्मूला जिससे आदमी दिखाई ना दे बहुत जल्द मेरे कदमों में होगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? सीमा का इंतजार कर रहा हूं। कमाल है, अब जो गई है तो इतनी देर इंतजार। अरे डरने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। बेवकूफ हिंदुस्तानी, तुम क्या समझते हो कि मोगैम्बो की कैद से निकलने में तुम कामयाब हो सकते हो? तुम क्या निकलोगे? अब तो तुम्हारा पूरा मुल्क मेरी कैद में आने वाला है। तुम्हारी मौत की घड़ी आ चुकी है हिंदुस्तानी। बादशाहों का तरीका है कि मरने वाले से उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता। मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है मिस्टर मोगैम्बो कि मैं इकरार करूं कि मरने से पहले मेरी आंखें खुल गई हैं और मैं ये इकरार महान मोगैम्बो के कदमों को छू कर करना चाहता हूं। मोगैम्बो खुश हुआ? मैं महान मोगैम्बो के पैरों पर गिरकर एक बार कहना चाहता हूं, हेल मोगैम्बो। मैं कहना चाहता हूं कि बेशक मोगैम्बो को अधिकार है कि हम पर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया पर हुकूमत करे। मोगैम्बो खुश हुआ? मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर मुझे मौत महान और शक्तिशाली मोगैम्बो के पैरों तले आए तो मुझे मौत जिंदगी से प्यारी होगी। मोगैम्बो खुश हुआ? देवता समान मोगैम्बो, मैं अपने आप को, अपनी जिंदगी को तुम्हारे कदमों में डालता हूं, तुम्हारे कदमों में डालता हूं, तुम्हारे कदमों में डालता हूं। देखा, ये हिंदुस्तानी कितनी आसानी से अपनी हार मान लेते हैं। ये एक हिंदुस्तानी तो क्या, कल सारा हिंदुस्तान मोगैम्बो के सामने सर झुकाएगा। देखना, तुम सब देखना, कल सारा हिंदुस्तान मोगैम्बो के सामने बिल्कुल इसी तरह सर झुकाएगा जैसे आज ये। मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंडिया, गार्ड्स, मिस्टर इंडिया यही है, फायर। स्टॉप, 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 स्टॉप। गुड मिस्टर इंडिया, अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। जहां भी हो सामने आ जाओ, वरना ये लड़की कैप्टन जोरो। हेलो मिस्टर इंडिया, वो फॉर्मूला।
कोई भी आने ना पाए। आज मैं देखता हूं मिस्टर इंडिया कैसे बचाता है इंडिया को। इन रास्तों की सारी लाल बत्तियां जला दो, बंदूकें तैयार रहें। मुझे पता चल गया है कि मिस्टर इंडिया लाल रोशनी में दिखाई देता है। इंडिया जहां भी हो सुन लो, तुम मोगेम्बो से ये जंग हार गए। मेरा हाथ इस वक्त उस बटन पर है जिसे दबाते ही जरा सी देर में मेरे मिसाइल यहां से उड़ेंगे और हिंदुस्तान के कोने कोने को जलाकर राख कर देंगे। बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को हमारे हवाले कर दो। मिस्टर इंडिया, सिर्फ एक मिनट के अंदर अगर तुमने अपने आप को मेरे आदमियों के हवाले नहीं कर दिया तो ये बटन दब जाएगा। तुम्हारे हिंदुस्तान को कोई नहीं बचा सकता। मिस्टर इंडिया? नहीं मोगेम्बो, मिस्टर इंडिया नहीं, बल्कि एक आम और मामूली हिंदुस्तानी जो हिंदुस्तान के हर शहर में रहता है, हर घर में बसता है, हर गली में चलता है। मैं वो आम हिंदुस्तानी हूं। मोगेम्बो, आज मैं तुमसे मिस्टर इंडिया बनकर नहीं बल्कि एक आम हिंदुस्तानी के रूप में लड़ूंगा, इसलिए कि तुम्हारे लिए एक आम हिंदुस्तानी ही काफी है। तो फिर मैं इस आम हिंदुस्तानी को एक कीड़े की तरह मसल दूंगा। Oh!
ये मत समझना कि तुम जीत गए मिस्टर इंडिया। मैंने बटन दबा दिया है, चंद सेकंड बाद मेरे मिसाइल्स हिंदुस्तान तबाह करने के लिए उड़ जाएंगे। मिसाइल्स चार्ज हो चुकी हैं। अगर अब तुमने उन्हें रोकने की कोशिश की तो मिसाइल्स यहीं फट जाएंगी। अब तुम अपने आप को बचा लो या अपने हिंदुस्तान को। सर, इनसे मिली? शायद ये आपको। अरे भाई, मैं इनसे बाद में मिलूंगा, प्लीज। है कम से कम, अच्छा तुम कहती तो मिल लेता। कहिए साहब, कैसे हैं? अच्छे हैं, बहुत खुशी आपसे मिलकर है। बस अच्छा, आप मुझे तो बता दो मिस्टर इंडिया कौन है। आपको ऐसा क्या काम आ गया मिस्टर इंडिया से? अरे भाई, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। उसने दुनिया के बहुत बड़े बड़े काम ठीक कर दिए, वो मेरा टेलीफोन ठीक नहीं कर सकता। ये काम तो मिस्टर इंडिया के लिए भी मुश्किल है। नहीं
सुनाई दे, अरे क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया।